नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग को शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि अचानक ललन सिंह का अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात करना कोई आम बात नहीं है। तो क्या है अंदर खाने की बात, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात की है। ललन सिंह की ओर से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। अमित शाह से मुलाकात से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी ललन सिंह ने मुलाकात की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उनकी मुलाकात हुई। दरअसल ललन सिंह को इस बार केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला है। नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें पंचायती राज के साथ साथ पशुपालन विभाग और डेयरी का मंत्रालय दिया गया है। ललन सिंह मंत्रालय का कामकाज संभालने के बाद सभी वरिष्ठ मंत्रियों से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। इस बार केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिली है, इसलिए जेडीयू भी सरकार में शामिल है। उसे 2 मंत्री पद दिया गया है और अब ललन सिंह मंत्री बनने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ ललन सिंह महागठबंधन में जब नीतीश कुमार गए थे तब लगातार तीखा हमला करते थे। इन मुलाकातों के माध्यम से ललन सिंह उन गिले शिकवे को दूर करने में भी लगे हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि जब 2 बड़े नेताओं की बातचीत होती है तो उनमें राजनीतिक बात भी होती है। कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ललन सिंह अपनी पार्टी जेडीयू से लोकसभा में उपाध्यक्ष पद की मांग कर रहे हो, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि 2019 में ललन सिंह केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला। इसके कारण आरसीपी सिंह से उनका विवाद भी हुआ। विवाद के बाद आरसीपी सिंह को जेडीयू छोड़ना पड़ा। ललन सिंह इस बार भी मुंगेर से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनने का मौका दिया। ललन सिंह के साथ कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी केंद्र में जदयू की तरफ से मंत्री बनाए गए। वहीं 2019 में भी जेडीयू की तरफ से 2 मंत्री पद मांगा गया था, लेकिन बीजेपी ने सांकेतिक तौर पर जेडीयू को सरकार में शामिल होने के लिए एक पद ऑफर किया था। पहले तो जेडीयू ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब आरसीपी सिंह मंत्री बने। तो देखिए, ललन सिंह दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ साथ उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बाद जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है और इस मुलाकात को कई पैमानों पर देखा जा रहा है। फिलहाल आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।